हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च का भरवा अचार, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा आपका अचार और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा और फिर इस तरीके से लाल मिर्च का अचार बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही रेसिपी आपको मिलती रहे। अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो लाल मिर्च लिया है। वॉश करके पानी सुखा देंगे और पीछे की जो डंडी है ना मिर्च की, इसको तोड़ देंगे। इससे अचार जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं तोड़ देने से। एक चाकू लेंगे और मिर्च को बीच से कट करेंगे। इसके अंदर हमें मसाले भरने हैं इसके लिए। तो मैंने मिर्च को खोला, कुछ काफ़ी सारा स्पेस है अंदर। आप चाहो तो मिर्च के अंदर जो बीज है इसको निकाल सकते हो, और अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने सारी मिर्च को कट करके तैयार किया हुआ है। चलिए चलते हैं अब मसाला तैयार करने के लिए। एक पैन गरम होने के लिए रखा है मैंने। ऐड कर देंगे एक चम्मच मेथी दाना, फ्लेम लो रखेंगे। एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच सौंफ लिया है मैंने, और अब ऐड करेंगे एक चम्मच अजवाइन, दो चम्मच धनिया दाना ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। सभी मसाले को मिक्स करते हुए रोस्ट करेंगे। दो ढाई मिनट तक हम रोस्ट करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे। जब मसाले हमारे रोस्ट हो जाएंगे ना, तो बहुत ही सोंधी सोंधी से खुशबू आने लगेगी। फिर फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखिएगा। उसके बाद मसाले को एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे, और इसी के साथ इसमें हम दो चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च के अचार में अमचूर पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया इससे खट्टा फ्लेवर आ जाएगा। एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे मसाले का कलर बहुत बढ़िया आएगा। कैप लगाएंगे और मसाले को हल्का सा दरदरा। मसाला मैंने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मसाला हमें हल्का सा ददरक ग्राइंड करना है। ददरक ग्राइंड करने से बहुत ही बढ़िया अचार का टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच करायल, दो चम्मच नमक ऐड करेंगे। अचार में नमक का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करिएगा नमक का। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आप काला नमक खाना पसंद करते हैं तो आप काला नमक यूज़ करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मेरे पास काला नमक नहीं था, इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और मसाले में मिक्स करेंगे। इस तरीके से सरसों का तेल डालने से मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और फिर जब हम मिर्च के अंदर ऐड करेंगे ना, तो गिरेगा नहीं। एक मिर्च लेंगे और उसको खोलेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मसाला लेंगे और मिर्च के अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा सा उंगली से प्रेस करते हुए हम थोड़ा सा दबाते हुए करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसाले आ सके। और फिर इस तरीके से दबा करके मिर्च को रख देंगे साइड में। इसी तरीके से बाकी का भी जो है हम तैयार कर लेंगे। जितना हमने ऑयल ऐड किया है यानी सरसों का तेल, इतना ही ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये देखें, मैंने सारी मिर्च को इसी तरीके से तैयार कर लिया है, बहुत ही जल्दी तैयार हो गई है। तो अब आप इसे किसी भी एयर कंटेनर में रख दीजिए और 4 से 5 दिन आप इसे थोड़ा थोड़ा सा धूप में दिखाइए। लगभग 5 दिन में आपका अचार एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। तो गाइस, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा Facebook पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय गाइज़।